तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी रिसर्च चेयर स्थापित की जाएगी। ये जानकारी तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एसपी वंसन ने पत्रकार वार्ता में देते हुए बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रिसर्च चेयर स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रिसर्च चेयर भी स्थापित की जाएगी। वाइस चांसलर ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय इसी सत्र में एमबीए, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, एमएससी भौतिक विज्ञान, एमएससी पर्यावरण विज्ञान तथा एमबीए टूरिज्म, एमसीए की कक्षाएं आरंभ करेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तहत शॉर्ट टर्म कोर्स भी करवाए जाएंगे ताकि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा सके। वाइस चांसलर ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है तथा नवम्बर माह तक नए कैंपस में तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को शिफ्ट करने का समय निर्धारित किया गया है। वाइस चांसलर ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसके लिए आवश्यक प्लान भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय में संबंधित महाविद्यालयों को अब रैंकिंग भी करवानी अनिवार्य है ताकि महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बराबर रहे। इसके लिए सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए एक वर्कशॉप भी आयोजित की जाएगी। वाइस चांसलर ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय का पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, इसके साथ ही सभी संबंधित महाविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय यूसीजी के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है तथा भविष्य में यह विश्वविद्यालय देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शामिल होगा। मेरा मानना यह है कि हमारा जो प्रदेश की इकोनॉमी है काफ़ी हद तक पर्यटन पर आधारित है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर टूरिज्म विभाग, एक हॉस्पिटैलिटी विभाग शुरू किया है। मेरी अभी, मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, मेरी अभी बातचीत भी हुई है, तो एक प्रपोजल मैं डालने जा रहा हूँ जो कि एडवेंचर टूरिज्म का नया कोर्स हम स्टार्ट करना चाहते हैं एडवेंचर टूरिज्म पर। उसमें इन प्रिंसिपल 2.5 करोड़ रुपये के लिए उन्होंने अभी एग्री किया है और जल्दी हमें वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन मेरे के लिए जरूरी ये है कि ये विश्वविद्यालय अपने आप में तकनीकी विश्वविद्यालय है और हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस ये है कि हम टेक्निकल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करें, और उस चीज़ के लिए मेरी बातचीत भी हुई है। इस विश्वविद्यालय में अभी हमने कुछ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया है, हमने कुछ वोकेशनल कोर्सेज शुरू करने हैं ताकि एम्प्लॉयबिलिटी की दृष्टि से और एंटरप्रेन्योरल की तरफ हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और पहली बार ऐसा है, 8 साल में पहली बार हमने विश्वविद्यालय में कैंपस बेस्ड कोर्सेज कुछ एक चलाने का निर्णय लिया है, और बड़ा अच्छा जो है बच्चों का रुझाव देखने को मिला है। और दूसरा, आज जो हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो मुझे लगता है कि देश की पहला विश्वविद्यालय है जहां पर हमने माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चेयर स्थापित की है इस विश्वविद्यालय में। आज हमने 2 विश्वविद्यालय चेयर स्थापित किए हैं यहाँ पर, रिसर्च चेयर, एक अटल बिहारी वाजपेयी चेयर और दूसरा हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर। यानी क्लासेज हमारी शुरू हो गई हैं, क्लासेज मैंने बिल्डिंग हायर कर ली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने कैंपस में जाना जरूरी है। काम स्पीड अप होना शुरू हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नवम्बर तक अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे।